भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 2 को लेकर सभी को खास उम्मीदें थी। इसरो का मानना था कि चंद्रयान 2 चांद की दक्षिणी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, लेकिन ये मिशन कामयाब नहीं हो पाया और इसकी वजह तलाशी जाने लगी। अब नासा ने सैटेलाइट की तस्वीरें जारी कर वो वजह बताई है जिसने चंद्रयान 2 को अपने मिशन में सफल नहीं होने दिया। इसरो के मिशन चंद्रयान 2 को लेकर कई वैज्ञानिक सवाल उठा चुके हैं। यहाँ तक कि इसरो चेयरमैन के सलाहकार तपन मिश्रा ने ये तक कह दिया था कि विक्रम लैंडर तहस नहस हो चुका है। इस दावे के बाद आज मिशन चंद्रयान 2 को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की। नासा का कहना है कि चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई थी। एजेंसी ने उस जगह की तस्वीरें भी जारी की जहाँ विक्रम की लैंडिंग होनी थी। हालांकि विक्रम कहाँ गिरा इस बारे में पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर रात हो चुकी है, इसके चलते ज्यादातर सतह पर सिर्फ परछाइयां ही दिखाई दे रही है। ऐसे में हो सकता है कि लैंडर किसी परछाई में छिप गया हो। नासा का कहना है कि अब हम विक्रम लैंडर को दोबारा अक्टूबर में खोजने का प्रयास करेंगे। नासा की इस रिपोर्ट से साफ है कि इसरो चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में नाकामयाब रहा, लेकिन इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन का मानना है कि हमारा मिशन 98% सफल रहा। डॉक्टर सिवन ने कहा था कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बेहतरीन काम कर रहा है, उसके सारे पेलोड सही तरीके से काम कर रहे हैं। ऑर्बिटर ने चांद की सतह को लेकर प्रयोग करने शुरू भी कर दिए। हमें लैंडर से कोई सिग्नल नहीं मिला है। विक्रम लैंडर के साथ क्या गलत हुआ इसकी जांच राष्ट्रीय स्तर की कमेटी कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम भविष्य की योजना पर काम करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि नासा के बाद इसरो की रिपोर्ट में मिशन चंद्रयान 2 को लेकर क्या खामी निकल कर आती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।